हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हो गई है सुबह, परी स्कूल जा चुकी है और सुबह के बज गए हैं 9:15 और मेरे बच्चों को सुनना है गाना। चंचू बंटू, ए चंचू चल गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा बंटू गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बोलो जल्दी। इनकी सुबह होती है गाने के साथ में, गाना 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 सुनती है। बंटू मम्मी पालू पालू बेटा, पूछ नहीं लोगी मम्मी को, पूछ नहीं देनी। बंटू हाँ सुंदर बंटू, मम्मी की रानी, मम्मी को पालू 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 पालू, मम्मी को पालू पालू। गुस्से में है, पहले गाना सुन के शांत होएंगी। कौन सा चुनना, कौन सा चुनना, मेरे होंठ फट गए हैं, दर्द हो रहा हूँ। नेक्स्ट में नो 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 आहा बंटू। गाइस चलो अब मैं बाकी सारा काम कुम कर लूँ, फिर उसके बाद आपको मिलेंगे। परी आएगी 2:45 स्कूल से, डाल दो उनका पिंजरा, पर्दों को डाल दो क्योंकि तुम से क्या हो गया। नहीं टाइम रात भर वो जगराता करती है, अब सोएगी। मेरा दूध वाला आ गया था, दूध दे गया है, दूध देखें तो गाइस दूध हो रहा है गर्म 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 गर्म, ये हो रहा है दूध गर्म। चलो गाइस मैं फिर मिलती हूँ आपको सारा काम करने के बाद, ठीक है। तब तक परी भी आ जाएगी स्कूल से, जब तक मैं काम खाना वगैरह बना के फ्री होंगी। सुन सुन को देखो गर्मी लगती है तो बेड से नीचे आ जाती है, ज़मीन पे डाउन डाउन ऑफ अर्थ है मेरी बेटी। इसको तो ज़मीन पे ठंडक सी लगती है तो वहीं सोती है। ओ ये देखो भाई मम्मा ले आई हैं छन छन को नहला के, छन छन नाई नाई करके आ गई अभी, और अभी इसकी धुलाई होगी फिर से। छन छन नाई नाई करके आई है, एलियन लग रही है पूरी। ये देखो ये देखो होगी बदमाशी शुरू। अरे मेरी रानी, नया नया टॉवल, नया नया टॉवल, आ जल्दी। पूरे बेड पे देखो क्या कर दिया इसने, और अब इसे चढ़े हैं भूत, एनर्जी आ गई ना। चंचा मार दिया मेरे को, ऐसे नहीं मारी है, ऐसे नहीं मारेगी। सुन सुन नहीं बंदी आ आ सुन सा आ जल्दी आ जल्दी आ, कर बदतमीजी कर। ये मम्मी का हाल हो गया खराब, अब सुन सा को हम पहले देखें कि है कहां पे, ये एरिया है। चला कंदी गया जल्दी आ। जब से छुंचा की तबीयत खराब हुई है तब से ये आज दूसरी बार ना आ रही है। आ जल्दी छुंचू, अरे सुंदर सुंदर फिर परफ्यूम पाउडर लगा के सुंदर रानी बनेगी, आ जल्दी। इसका कुछ नहीं हो सकता, चुन चुन जल्दी अपन की करो, राजा बेटा नहीं बनेगी जल्दी आ। आहा सुंदर सुंदर रानी नहीं बनेगी, रानी नहीं बनेगी। मेरी हालत देखो, और इस ये हराम खोर अब कंगी नहीं करवा रही है, ऐसे ढीठ बच्चे देखे हैं किसी के। जल्दी आओ चलो, अच्छा मेरी रानी, अच्छा मेरी रानी 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 जी। ये सब क्या बोलेंगे, देख जो चुन चुन गंदी है, इनकी इनकी बेटा गंदी है, ले पकड़। अच्छा आहा सुंदर 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 सुंदर, चुन चुन जल्दी कर, मैंने भी नहाना, लेट हो गए।
चलो गाइस फिर बाद में मिलती हूँ, इसको कर दूँ कंघी करके तैयार, फिर मैं भी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज नहा धो के हो गए फ्री, छुनछुन को नहलाया, मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। मैंने नाइटी डाल ली है, घर में ही रहना है, कपड़े क्या डालने, फिर मैं कहा चलो यही डाल लेते हैं, कहीं जाना तो है नहीं बाहर के, हाँ जाना हो तो चलो कपड़े चेंज कर लूँ, तो आलसी भी हूँ ज़्यादा मैं। तो हाँ, बंटू चिल्ला रही है तो उसको इग्नोर करना, वो आजकल पता नहीं कौन से सुर में गाने गा रही है। और छुनछुन मेरी सुंदर सुंदर हो गई है नहा धो के नाई नाई करके। तो गाइज मैंने आपको बता दी थी मेरे रूममेट के बारे में, तो मैंने क्या आप कहाँ बताया, कहाँ तक बताया था, फिर उसके बाद मिस्त्री आ गए थे तो मैं चली गई थी। वो बोल रही थी कि मैं जॉब करती हूँ इको कंपनी में, इको कंपनी नहीं थे सॉरी, वो इको ऑफिस था, जो प्रिंट आउट मशीन नहीं होती है उस चीज़ का ऑफिस था, वो मशीनें बेचते हैं शायद, तो वो उसमें जॉब करती है। ना तो मैं कभी उसके ऑफिस गई हूँ, ना मैंने देखा है या क्या कुछ, मेरे को नहीं मालूम। तो मैं कहा चल भाई ठीक है, तो हम बद्दी शिफ्ट हुए तो हमने एक जगह ना न्यू बिल्डिंग बनी थी जहाँ मैं जॉब करती थी ना, उसके ब्रांच मैनेजर ने मुझे रूम दिलवाया था। मैंने उनको बोला कि भी कहीं रूम हो तो आप पता करना, मुझे इतना बद्दी के एरिया का पता नहीं है तो मैं कहाँ भटकूँगी, आप मेरे को रूम बता देना। छुनछुन नहीं, तो उन्होंने मेरे को एक, उनके कोई फ्रेंड थे, उनकी बिल्डिंग थी, उन्होंने मतलब अपने लिए मकान बनाया था, वो बनाया था खेतों के बीच में, सबसे लास्ट में जाके ना, कोई आसपास कोई नहीं, बस एक ना फैमिली रहती थी, एक दो फैमिली रहती थी दूर सड़क के उस पार और हम इस पार रहते थे। हमारी साइड में एक बिल्डिंग और बन रही थी न्यू, और एक थी जिसमें हम रह रहे थे। पूरे मकान में मतलब कोठी समझ लो, एक बंगला टाइप का बन रहा था, उन्होंने अच्छा बनाया था, कम से कम लगाए होंगे 2-3 करोड़ रुपये लगाए होंगे उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। हाँ छुनछुन आ गई तंग करने के लिए, ये देखो ये कहाँ गई, दिख रहा है ये आ गई, अभी ऐसी तंग करेगी गाइस। तो क्या है, तो छुनछुन रुक जाए यार। तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए, तो पूरी बिल्डिंग में मैं और वो मेरी रूममेट, उसका नाम फ़ोटो सब कुछ डालूँगी अभी नहीं, थोड़ा ठहर के पूरी कहानी हो जाने दो। तो मैं गई अपनी जॉब पे, तो एक लड़की आई मेरे पीछे से, मतलब मेरे ड्यूटी पे जाने के बाद कोई लड़की आई होगी, रूम तलाश ली होगी, तो वो आई और मेरी जो रूम मेरे साथ में जो रहती थी वो लड़की हमारी बिल्डिंग में आ गई। पता नहीं कैसे आई, मुझे नहीं पता कि वो ही लेके आई है क्या, मुझसे तो ये कह रही थी कि ना रूम, मैं कहा एक बात बता, अकेली लड़की रहने के लिए यहाँ बेहड़ में जंगल में क्यों आएगी लेने के लिए रूम। तो अब उसने बोला तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ट्रस्ट कर लिया। इसने कहा एक ये थी मेरे ऊपर बोझ, ना तो उस लड़की ने कभी रेंट दिया ठीक है, ना कभी खाने को दिया, मेरी सैलरी मिलती थी या मैं एडवांस लेती थी तब मैं खाना डालती थी, रूम रेंट देती थी, तो एक और मेरे लिए बोझ मेरे ऊपर बिठा दिया। चलो वो आई, वो लड़की भी महीना भर रही, कहती मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं सैलरी मिलेगी तो मैं दीदी आपको दे दूँगी। मैंने कहा ठीक है, तो वो एक महीना लड़की रह के गई और कहती है सडनली कहने लगी मेरे दादा की तबीयत खराब है कि दादी की तबीयत खराब है, ऑपरेशन होना है। तो वो एक महीना खा पी के वो चली गई। और देखो वो भी फ्रॉड लड़की, वो भी हिमाचल से थी, उसने क्या किया, जो मैंने बोला था ना रोड के उस तरफ फैमिली रहती थी, अंकल आंटी थी, उनके शायद दो लड़के थे कि पता नहीं, एक ही लड़का और एक लड़की थी उनके पास, दो लड़के शायद एक लड़की थी। तो हम जैसे आते जाते थे ना, मैं ड्यूटी से आती थी या हम कोई सामान लेने, वहाँ कोई शॉप नहीं थी, हमें सीधा मेन बद्दी में आना पड़ता था कुछ भी अगर लेना हो। तो वहाँ से मैं आती जाती थी, तो सडनली उनकी लड़की एक दिन मेरे को बोली कि आप दीदी यहाँ पे नए आए हो, मैंने कहा हाँ, तो कहने लगी अच्छा, तो एक लड़की और देखी थी, मैं कहा वो मेरी रूममेट है कि अच्छा, फिर उसकी मम्मी कहने लगी आ जाओ बेटा चाय पी लो, मैं कहा नहीं आंटी मैं ड्यूटी से आई हूँ, मैं घर जाऊँगी और मेरे को, मैं थक जाती हूँ पहले मैं सोऊँगी थोड़ी देर, फिर उसके बाद मैं चाय चुई पीऊँगी और खाना पीने की तैयारी। फिर क्या अच्छा, फिर पूछने लगे कहाँ से हो क्या है, मैंने फिर उनको सब कुछ बताया कि मैं यहाँ से हूँ, ऐसे से यहाँ जॉब कर रही हूँ कि ठीक है। फिर जो नई लड़की आई थी मेरी रूममेट ने रखी थी, वो लड़की उनके यहाँ पे पीछे आना जाना उसका स्टार्ट हो गया, आना जाना स्टार्ट हो गया। वो लड़की जब घर जाने वाली थी ना, तो उनके लड़के से पता नहीं 6,000 के 12,000 रुपये ले गई है ठीक है। और मेरे बैग में मैं घर से कुछ नहीं लेके आई थी, मैं सिर्फ एक पिट्ठू बैग लेके आई थी जो स्कूल के लिए बच्चे लेके जाते हैं वैसा ब्लैक कलर का, उसी में मेरे 5-6 जोड़ी कपड़े थे। मेरे को ना कपड़े डालने की शुरू से ही आदत नहीं थी, मतलब बीच में से बोलूँगी जॉब के टाइम पे, पता है मेरे को कपड़ों में गर्मी लगती है तो मैं जितने घिस पिट जाते हैं ना मैं वही डालती हूँ कपड़े, तो मैं ज़्यादा नहीं लेके आई थी।
तो मैंने कहा जॉब करूँगी तो धीरे धीरे यहीं बनवा लूँगी, क्या बोझ लेके जाना, फिर बोझ लेके फिर घर वापस आना, पर टिक जाऊँ, जॉब लगेगी भी कि नहीं लगेगी, सेटल हो पाऊँगी कि नहीं। तो मैं उसी हिसाब से घर से कपड़े लेके आई थी, तो मेरे पास वही बैग था। मैंने उस बैग में ना अपनी सोने की रिंग रखी हुई थी, तो वो रिंग आप पता नहीं वो लड़की चुरा के ले गई थी कि ये इस मेरी रूममेट ने निकाली, अभी ये मेरे को इतना नहीं पता। और कानों की बालियाँ थी वो भी गायब होगी मेरे बैग से, दोनों दो चीज़ें मेरे बैग से गायब हुई। और जब वो गई ना तो जहाँ मैं जॉब करती थी उनका जिसने मेरे को रूम दिलवाया था उसका कोई ऑफिस की गाड़ी चलाने वाला पता नहीं क्या, मुझे अब याद नहीं है, उस बंदे से उस नई लड़की ने कॉन्टैक्ट किया, पता नहीं एक दो बार मेरे साथ मेरे ऑफिस में भी गई थी वो और मेरी रूममेट भी। तो जॉब के सिलसिले से मैं उसको लेके गई थी अपने ऑफिस में कि उसकी जॉब कहीं लग जाए। तो वो लड़की उससे पता नहीं कैसे नंबर ले लिया, क्या उस लड़के को फ़ोन किया, लड़का नहीं था एक्चुअली वो आदमी था, उसको फ़ोन किया कि भी भाई मेरे ना ऐसे दादा की तबीयत ख़राब हो गई मुझे जाना, आप मेरे को लेके बस स्टॉप तक छोड़ दोगे। वो बंदी ने उससे भी पैसे लिए, और फिर बाद में वो जब चली गई ना तो हमने उसको लिया, हमने कहा चलो फ़ोन करते हैं। और देखो जाने के बाद ना मुझसे भी पैसे ले गई थी, यदि आऊँगी मैं जॉब करूँगी तो मैं दे दूँगी। मैं कहा चल ठीक है, तो मेरे पास पता नहीं 2,500 रुपये से, मैंने 2,250 रुपये से मैं कहा चल तू ले ले, मैं एडवांस ले लूँगी खर्चे के लिए जब पड़ेगी ज़रूरत। तो वो मुझसे भी पैसे लेगी, वो चली गई। उस मैंने कहा चलो आज पहुँची होगी, थकी आ रही होगी तो हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर लगा रही होगी, मैं कहा चलो कल उसको मैं फ़ोन करके पूछूँगी भी उसके दादे की तबीयत कैसी है, दादा दादी अब पता नहीं कौन था क्या था। तो उस बंदी ने क्या किया, फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर उसकी ना बहन का नंबर था हमारे पास ना, तो हमने उसकी बहन को फ़ोन किया। तो मैंने कहा पता नहीं क्या नाम था उसकी बहन का, उस लड़की का नाम नीरू रेनू ऐसी कुछ नाम था। तो कहती नहीं दीदी हमारे घर में तो सब ठीक है, मम्मी पापा पहली बात तो मेरे दादी तो है नहीं, दादा बीमार था। तो कहने लगी कि भाई वो तो ठीक है उनको कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा तेरी बहन आ गई है घर के, नहीं वो नहीं आई है, वो नहीं आई है। तो बंदी मतलब चूना लगा के वो भाग गई। फिर ये मेरे को बोलती मेरी रूममेट हाय रश्मि वो तो मेरा ना बैग उसने पता नहीं कैसे मेरी अटैची खोली है, वो अटैची में ताला लगा के रखती थी, एक ही अटैची थी उसके पास, वो भी फटी पुरानी है, उसके टायर ट्रॉली बैग वो भी टूटा फूटा टायर टूर हैंडल हुंडल कुछ नहीं था उसके पास। तो कहने लगी उसने ना मेरे ना अटैची पता नहीं कैसे खोल ली और इसमें से मेरे पैसे लेगी, मेरा ये लेगी, मेरा वो लेगी। तो जब उसने मेरे को पहले बोला ना तो मैंने अपना बैग चेक किया, मेरे बैग में से भी गए। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा यार ऐसे से मेरी भी चीज़ें गायब है, पैसे गायब है। तो कहने लगी वो लगा के चूना, मैं कहा तेरे को कहाँ से वो मिल गई, कहाँ से तू उठा लाई, हमने इतने फ़ोन किया उसके घर पे ना, तो उसकी बहन ने भी ब्लैक लिस्ट में हमें डाल दिया। चलो भाई एक वो फ्रॉड करके गई, ये वो थी हाँ कि ऊना से आगे ना कांगड़ा के साइड में कोई गाँव था उसका, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं हाँ मेरी रूममेट, अब मेरी रूममेट पे आते हैं, वो एक आई चूना लगा के चली गई खा पी के मेरा। फिर रूममेट पे आते हैं तो रूममेट ने मेरे को ये बोला कि भी, मैंने उसको पूछा मैंने कहा तेरा कोई बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड नहीं है, कहती है ना। तो बताती कि क्या नाम था उसका, अनीश पता नहीं सतीश ऐसी कुछ नाम बता रही थी उसका, याद नहीं आ रहा। कहती वो चंबे साइड का है और वो पंडित है शर्मा, जो मेरी रूममेट थी वो ठाकुर थी, तो कहती वो वहाँ का था। तो उसने ना उस कहते कि वो मेरी दादी के यहाँ पे शिमला में आता था। मैं कहा तू वो इतनी दूर का लड़का, ये कहते हम ना ब्रोटी वाला में ना कंपनी में, ब्रोटी वाला पता नहीं झाड़ माजरी कंपनी में मिले थे, तो ऐसे से फिर हम लाइक करने लग गए। मैं फिर गाँव गई अपनी दादी के यहाँ पे, तो वो पीछे पीछे शिमला आ गया, फिर मुझसे कहने लग गया कि मैं शादी करूँगा, और बर्फ़ पड़ रही थी बर्फ़ में बाहर खड़ा था, मैंने उसको हाँ नहीं बोली, ये वो फलाला ब्ला 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 उसने मेरे को अपनी एक कहानी बना के सुना दी। मैं कहा ठीक है, कहता कि ना मैं सेटल हो जाऊँ, सेटल होने के बाद ना फैमिली नहीं मानेगी तो कोई बात नहीं हम भाग के शादी कर लेंगे, मेरी रूममेट ये बोली। मैंने कहा अच्छा फिर वो होगी। फिर जहाँ हम झाड़ माजरी में रहते थे ना उसके ना मेरा कॉर्नर वाला कमरा था, मतलब एक बिल्डिंग है बीच में मेरा कमरा, फिर ऐसे गैलरी सी ऐसी गई और एक गैलरी ऐसी सी गई, इधर कमरे बने हुए और एक इधर बने हुए, जब फ्रंट में जो कमरा था बीच में उसमें दुकान खुली हुई थी, और बैक साइड का जो कमरा था उसमें मैंने वो रूम मैंने लिया हुआ था। तो मैं मेरा कमरा फिर ऐसे मुड़े गैलरी से आई, तो गैलरी के साइड में पता नहीं लड़के का रूम था कि फैमिली थी शायद, मियाँ बीवी थे उनकी, एक छोटी सी बच्ची थी, वो बच्ची मेरे पास आ जाती थी, पता नहीं क्या लगा था उसको मेरे पास आके बैठ जाती थी। कहती दीदी दीदी मैं आपके पास आ जाऊँ, मैं कहाँ आ जाऊँ, मेरे पास ही खेलती थी, अकेली रहती थी मेरे पास ही खेलती थी।
तो वो जो लड़के रहते थे ना, पता नहीं कितने रहते थे मुझे नहीं मालूम, तो वो लड़का ऐसी गैलरी में कपड़े धो के डालने लगा होगा, मैं भी डाल रही थी अपने धो के कपड़े, संडे का दिन था, तो वो पूछने लग गया आप नए हो मैडम यहाँ पे? मैंने कहा हाँ मैंने यहाँ पे नहीं हूँ। कि कब आए हो आप? मैंने कहा मेरे को तो महीना होने आया कि आज देखा। मैंने कहा संडे की छुट्टी होती है तो मैं कभी घर से मैं निकलती नहीं हूँ, कपड़े धो रही हूँ तो आपको सडनली देखी हूँ। क्या अच्छा बाहर भी नहीं निकलते? मैं कहा मेरे को पसंद नहीं है बाहर आना जाना। क्या अच्छा। फिर उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम अतुल है, अतुल ठाकुर पता नहीं क्या। ठीक है, उस लड़के को भी मेरी रूममेट जानती थी, जिस कमरे में मैं रही थी शायद उसमें वो किसी लड़की के साथ कि पता नहीं पढ़ले कमरे में कि उसी बिल्डिंग में वो रह के गई पहले भी, मुझे नहीं मालूम था रह के गई है कि नहीं रह के गई है। तो चलो फिर उस लड़के का जो बगल में हमारे लड़का रहता था, वो लड़का बोला कि भी आप क्या बोलते हैं यहाँ पे ना पहले लड़कियाँ रह के गई थी। तो मैंने कहा अच्छा, कि वो लड़की बहुत फ्रॉड थी जो मेरी रूममेट थी उसके बारे में बोल रहा था वो, और मैं उसको पहले देखा नहीं था जो मैं पहचान पाती। तो ठीक है भाई, उसने बोला जो वो लड़का था अतुल उसका फ्रेंड था एक दिलजीत, पता नहीं दिल छान ऐसी कुछ नाम था उस लड़के का, तो मेरी जो रूममेट थी उसके चक्कर में भी पड़ी वो। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊँगी आगे। तो हम लोग शिफ्ट हुए बद्दी, बद्दी से फिर जहाँ हम खेतों वाले कमरे में थे वहाँ हमारी दिवाली थी। तो दिवाली थी, दिवाली पे ये मेरी रूममेट जाने लगी। मैं कहा यार मेरे को अकेला छोड़ के तू जा रही है? कहती नहीं मेरे बुआ के यहाँ पे दिवाली मनाऊंगी, बुआ का फ़ोन आ रहा बार बार। एक तो ना तो इसकी किसी मासी का ना बुआ का मेरे सामने कभी कोई फ़ोन नहीं आया, ना कभी इसने मेरी बात करवाई। होता ना कि रूममेट साथ में कोई रह रहा है तो फैमिली से फ़ोन आता है तो वो कहती है कि लो ये बात कर लो ये है वो, तो उसने कभी मेरी बात नहीं करवाई। तो कहने लगी मुझे बुआ के, मैं कहा ठीक है चली जा, जैसे आज बड़ी दिवाली है कि छोटी दिवाली है। तो आज गई और कल बड़ी दिवाली, आज छोटी कल बड़ी, हाँ। तो आज के दिन वो चली गई बैग बुक पैक करके, आई चार पाँच दिन के बाद के हफ्ते के बाद, मेरे को अभी याद नहीं है, हो गए 8-9 साल पहले की बात है। तो आई ये, ठीक है, ऐसे ही इसने जब इसको जाना होता था ना बैग पैक किया, और मैं आज तक अपने रूम से कभी कहीं नहीं गई। तो चलो भी चली गई है, आ गई है। फिर हम लोग बद्दी, यहाँ मेन बद्दी में शिफ्ट हुए, तो हमने जहाँ बिल्डिंग में कमरा लिया था अंकल आंटी थे, उनके शायद बच्चे बाहर फॉरेन में पता नहीं कहाँ थे, तो बहुत नाइस थे वो। तो उनकी ना बिल्डिंग मेन मार्केट में मेन रोड पे ही थी, हमने वहाँ रूम लिया। वहाँ लेने के बाद ना मैं ड्यूटी पर चली जाती थी, वो रूम पे रहती थी, तो अगल बगल में लड़के रहते होंगे जॉब वाले, तो उनके साथ घुसी, उनके कमरे में घुसी रहती। तो मकान वाली को कहीं पता चल गया होगा, आंटी ने बोला कि मुझे बुलाया एक दिन फ़ोन करके कि रश्मि बेटा आप रूम पे आना। मैंने कहा ठीक है आंटी। मैंने कहा क्या हुआ? कि बस आप आना वैसे ही घूमने, अच्छे बात करना अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है आंटी मैं आ जाऊँगी। तो मैं उनके यहाँ पे गई, उनके यहाँ गई, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा एक बात बोलती हूँ, आप बुरा मत मानना, अगर हमारी बिल्डिंग में जहाँ हम रहते हैं हम वहीं अगर कुछ खाली होता ना रूम तो मैं आपको दे देती, कि भी आप जैसे किराएदार नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा हुआ क्या आंटी? कि बेटा वहाँ पे ना सारे लड़के ही लड़के रहते हैं, जबकि लड़के नहीं वहाँ फैमिली भी रह रही थी, अब मैं ऐसी जगह कमरा लूँगी ही नहीं जहाँ पे फैमिली ना हो, लड़के ही लड़के हो। तो मैंने कहा क्या हुआ आंटी? तो कुछ नहीं बोले। तो अंकल बोले कि भी लड़की समझदार है, आप इसको बोल दो, कोई डरने वाली बात नहीं है, वो समझेगी अपनी बात को। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप चले जाते हो ड्यूटी पे तो आपकी जो रूममेट है वो अगल बगल के लड़कों के रूम में जाती है, उनके यहाँ बैठती है, तो मुझे एक फैमिली वालों ने बोला है कि भाई ये जो लड़की है वो गंद फैला रही है यहाँ पे। तो आप, मैंने फिर घर आई, घर आने के बाद मैंने बोला अपनी रूममेट को कि भाई ऐसे ऐसे मकान मालिक ने मेरे को बुलाया, उन्होंने बोला कि भाई रूम खाली करना है। तो मैंने कहा, उसने पूछा क्यों क्या बात है? मैंने कहा ये तेरे को पता होगा मैं तो ड्यूटी चली जाती हूँ, मुझे क्या मालूम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कहने लगी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तो मेरी किसी से बातचीत होती है ना मैं किसी से बात करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो सर जब मैंने उससे बात की ना तो सडनली वो लड़का आ गया बगल वाला, और वो लड़का हमारी साइड का था। तो मैंने कहा हाँ भैया क्या था मैं? तो कहने लग गया कि दीदी आपका ना ये आपकी फ्रेंड ना मेरे कमरे में अपना फ़ोन भूल आई। मैं कहा फ़ोन भूल है? मैं कहा ये तो किसी के जाते नहीं है। तो कहने लगी कि ये देखो इसका फ़ोन। तो मैंने उसको पूछा, मैं कहा हाँ भाई तू इसके कमरे में क्या करने गई थी? तो कहती नहीं ये गिटार बजा रहे थे तो मैंने गिटार सुना तो मैं चली गई। तो मैंने उसको पूछा कहाँ क्या है आप कहाँ से हो? तो कहते कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ ऐसे से। तो मैं कहा गिटार बजाते हो आप? कि हाँ वैसे ही हम लोग टाइम पास के लिए। मैं कहा अच्छा। तो उससे मेरी नॉर्मली, तो वो दीदी बोलता था तो मेरे को लगता था भाई चल बच्चा है क्या है, ठीक है। जब उसने दीदी बोल दिया तो मेरे लिए तो छोटे भाई की तरह ही हो गया। तो मैंने आंटी को बोल दिया, मैं कहा आंटी अभी रुक जाओ मेरे को एक महीने का टाइम दो, मैं धीरे धीरे रूम देखूंगी, जब मेरी सैलरी आ जाएगी तो क्या आपको पता ही है कि हर जगह एडवांस लेते हैं तब रूम देते हैं। तो कहने लगी कोई बात नहीं बेटा आप जब सैलरी मिल जाए आप तब कर देना शिफ्ट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अभी कर दो। तो
फिर मैंने उस लड़के से जैसे ही संडे वाले दिन छुट्टी होती थी तो वो आ जाता था, कहता दीदी आज क्या बना रही हूँ, मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, और रूममेट को पूछता हाँ भाई दीदी ड्यूटी भी करती है वो रोज खाना भी बनाती है, मैं कहा नहीं वो हर हफ्ते वही खाना बनाती है, बस संडे के दिन मैं बनाती हूँ और या शाम का खाना मैं बनाती हूँ। क्या अच्छा, तो धीरे धीरे बातचीत होने लगी। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तेरी मेरी रूममेट से कैसे बात हुई कि ऐसे ऐसे ना क्या बोलते हैं ये वॉशरूम, हाँ उस कमरे में क्या था कि भाई कमरा था और लाइन से ना वॉशरूम बना रखे थे, सब कमरे के अलग अलग वॉशरूम लेकिन अलग बाहर बना रखे थे, अपने वॉशरूम में ताला लगा दो सारे कमरे वाले जिनका रूम है और नंबर बाई नंबर वॉशरूम दे रखे थे। तो उनके वॉशरूम आए थे तो इन्होंने ना क्या बोलते हैं टंकी खाली होगी थी, नल खुला छोड़ दिया था, तो मैं इनको बोलने आया था कि भाई आपका ना बाथरूम में पानी चल रहा है ताला खोल के ना बंद कर दो। तो ये आए थे तब से हमारी बोलचाल स्टार्ट हुई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर ये बात होने के बाद ना हमने वहाँ, मैं एक महीना दो महीने पूरे हुए मैंने वहाँ से रूम शिफ्ट किया। रूम शिफ्ट करने के बाद हमने यहाँ बिग बाज़ार के पास में रूम लिया। तो वहाँ पे भी महीना नहीं हुआ तो वहाँ पे इसमें क्या किया कि भी हम लोग ना शाम को ना कभी कभी होता है कि हफ्ते में एक दो बार ना बाहर रेस्टोरेंट होटल वगैरह में खाना खाने चले जाते थे, तो हम खाना खाने गए तो वहाँ रेस्टोरेंट में वेटर शेफ जो भी कुछ हो मुझे नहीं मालूम, ये बंदी वहाँ पे लड़के को नंबर दे आई और अगले दिन वो लड़का मेरे कमरे पे, मैं ड्यूटी से आई और मेरे को वो नीचे दुकान वाला था जिससे हम राशन पानी लेते थे, तो वो कहता है कि भी मैडम आपके रूम में लड़का आया था, तो मकान मालिक को किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो वो केयर टेकर भी मान लो और वहाँ रहते भी थे वो, तो उसने मेरे को बताया। तो मैं ऊपर गई तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कमरे में कोई नहीं आया, तेरे को पता नहीं सारे कौन बोल देते हैं मेरे मुंह पे आके, कोई नहीं बोलता ये वो फलाना ढिमका, मैं कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। थोड़े ही दिन हुए वो लड़का आया रूम पे फिर शाम के टाइम, और सडनली मैं उसी टाइम ड्यूटी से आई मैंने देखा तो वो लड़का, मैंने कहा ये जाना पहचाना सा लग रहा है, तो मैंने उसको पूछा ये कौन है, मैं कहा देखा जा, अरे ये वो है जहाँ हम होटल में खाना खाने गए थे, मैं कहा ये हमारे रूम पे क्या कर रहा है, तो कि भी आए थे ये यहाँ पे ना किसी को ढूंढने आए थे। तब मैंने उस लड़के को ना बाहर बुला के पूछा, मैं कहा हाँ भाई तू सीधे सीधे बता दे तू यहाँ कैसे आया, नहीं तो मैं बुला रही मकान मालिक को। तो वो बोलता है कि भाई मैडम इन्होंने जिस दिन आप लोग होटल में खाना खाने आए थे ना इन्होंने मुझसे मेरा नंबर मांगा था और मैंने अपना नंबर इनको दिया था, और मैं हफ्ते पहले भी आया हूँ दिन में और आज मैं रात को आया हूँ, इन्होंने फ़ोन करके बुलाया तब मैं आया हूँ, ऐसे नहीं आया मैं। बहुत चल गई ठीक है, मैंने उसको बोला मैं कहा भाई देख वो बुला रही है, मैं कहा बदनाम मैं भी होती हूँ साथ में मैं रह रही हूँ तो मैं भी, मैं कहा दोबारा मत आना यहाँ पे, मिलना तो मैं जो कुछ करना हो बाहर करूँ कमरे के, कमरे पे नहीं आना। तो कहने लग गया ठीक है। तो उस लड़के से फिर इसका कोई कॉन्टैक्ट हुआ कि नहीं हुआ मेरे को नहीं मालूम। तो उसी बिल्डिंग में एक लड़का दो लड़के और रहते थे उसके यहाँ पे भी ये घुस घुस के बैठने लगी। तो मैं ड्यूटी से आई और ये रूम पे नहीं ताला लगा हुआ, मैंने कहा ताला लगा हुआ, फिर मैंने इसको फ़ोन किया तो मैं कहाँ पे है तू, कहती मैं यही बिल्डिंग में हूँ कमरे में हूँ, तो मैंने कहा कमरे में कहाँ है, मैं ताला लगा हुआ है, कि तू बड़ा जल्दी आ गई, मैंने कहा हाँ आ गई जल्दी, तू है कहाँ पे, कि आ रही हूँ रुक जा, जिस कमरे में घुसी हुई थी ना वो सीढ़ियों के बगल में ही था कमरा, मैं सीढ़ियों के पास ही आके खड़ी होगी जी देखो ये कहाँ से आ रही है। तो ये उस लड़के के कमरे से निकली, मैंने इसको पूछा कि भाई तू इनके यहाँ पे क्या कर रही है, कि ऐसे ऐसे वो दलजीत था ना ये उसका फ्रेंड है, दलजीत वही जो झाड़बाजरी में अतुल का फ्रेंड था उसका फ्रेंड है। मैंने कहा अच्छा, उस लड़के से भी इसका चक्कर चल रहा, दलजीत से भी इसका चक्कर चल रहा, और वो नीतीश, हाँ उस लड़के का नीतीश था जो शिमला में आता था उससे भी इसका चक्कर चल रहा। तो चल रहा कुछ दिन हुए, महीना भी नहीं हुआ, 20-25 दिन हुए, ये गई मेडिकल, ये नहीं हाँ ये मेडिकल शॉप पे गई, प्रेगनेंसी किट लेके आई घर पे, और इसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया होगा उसमें पॉजिटिव आया, और ये बाथरूम से मैं ड्यूटी से आई ये बाथरूम से निकली और रोने लगी फूट फूट के चिपट के मेरे से, कहती लक्ष्मी यार मैं एक बात बोलूँ तो गुस्सा मत होइए, मैंने कहा नहीं मैं गुस्सा नहीं होंगी बता, कि यार किट मेरे को निकाल के दिखाई, मैं कहती ये तो प्रेगनेंसी किट है, कहती हाँ मैं यार प्रेगनेंट हो गई हूँ ऐसे ऐसे ना वो दिलजीत है पता नहीं क्या नाम, तो उसने मेरे से ना शादी का प्रॉमिस किया, फिर कहता ये मेरे रियल माँ बाप नहीं है, इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, मैं इनके खिलाफ नहीं जाऊँगा तो इसके खिलाफ माँ बाप के खिलाफ जाके मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा। मैं कहा जब वो शादी के लिए पक्का नहीं था तो तू उसके साथ सो गई जाके, तो अब पता नहीं ये कब कितने दिन प्रेग्नेंट थी क्या थी, और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि भी अबॉर्शन किट मिलती है क्या है क्या नहीं। तो हम लोग गए डॉक्टर के पास, अब यहाँ तो वो यहाँ सब जानते ही होते ही है कितने टाइम से रह रहे हो तो जान पहचान हो ही जाती है, मैं कब यहाँ जाएंगे तो यहाँ कहेंगे कि अनमैरिड लड़की है ये वो। मैं इसको लेके गई बरोटी वाला के सरकारी अस्पताल, इसको मांग मूंग भर के मंगलसूत्र नकली खरीदा वो पहना के इसको ले गई मैं। फिर मैंने वहाँ बोला कि सर इसके ना एक लड़की है पहले से ही, और मैंने कहा ये लड़की अभी 8-9 महीने की हुई है ये फिर से प्रेग्नेंट हो गई है और ये बच्चा चाहिए नहीं।
तो उन्होंने अबॉर्शन किट लिख के दे दी। तो पहले उन्होंने ये बोला कि भी कितना टाइम हो गया, मैंने कहा इसको याद नहीं है कितना टाइम हो गया, तो उन्होंने टेस्ट किया, पता नहीं क्या करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, मेरे को याद नहीं है अभी इतना टाइम हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप ये किट ले लो तो इससे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एक ऐसा करना अल्ट्रासाउंड करवाना, हाँ तब बाद में बोला अल्ट्रासाउंड करवाना। तो वो मेडिकल स्टोर पे आए, और मेडिकल स्टोर को बस वही था जो हमारे घर के थोड़ा आगे जाके था, और मेडिकल स्टोर पे वो जो उनसे उससे मैं कभी कभार दवाई वगैरह ले लेती थी बुखार की, डिस्प्रिन वगैरह, तो मैं उसके पास गई। तो मैंने उसको बोला कि भैया ये देना किट, तो कहते कि आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, मगर ऐसे से हमारे पड़ोस में भाभी रहते हैं उनको उनके लिए चाहिए, उन्होंने बोला था कि भाई ये ले आना। मैं कहा ये क्या चीज़ है, फिर कहते अबॉर्शन किट है, मैं कहा मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि अबॉर्शन, कहते आप पर्ची पढ़ने, मैं कहा डॉक्टर की लिखाई कहाँ समझ में आती है, तो कहने लगे ठीक है, उसने अबॉर्शन किट दी। उस दिन से वो अच्छी तरह से मेरे को ना पहचान गया कि भी हाँ ये मैडम ऐसे से आए। फिर उसका अबॉर्शन करवा, घर पे वो पिल वगैरह खाते हैं जो भी कुछ करते हैं, चलो वो होगा। वो होने के बाद इस बंदी ने, मतलब कहते हैं ना कि पीठ पीछे छुरा घोंपना, वो किया, ये बंदी सडनली गायब होगी, गायब होगी, और पता नहीं शादी कर ली क्या कर ली, चलो ये फरार होगी, चलो ठीक है। यह भाई मेरी लाइफ में 8 साल बाद आई, तो बोलती कि भी 8 साल बाद नहीं, 7 साल बाद फिर मेरी लाइफ में आई, मेरे को फेसबुक पे मैसेज करती, नंबर तो मेरा था नहीं, फेसबुक आईडी थी, उस पर इसने पहले ऐड भी किया था फिर ब्लॉक कर दिया। कहती रश्मि तू कहाँ पे है, मैंने कहा मैं बद्दी में हूँ, कि तू इतने सालों से, मैं कहा मैं बाहर चली गई थी इसलिए, कि अच्छा कहाँ पे, मैं कहा मैं बद्दी में हूँ, कि ठीक है और कौन कौन है, मैं कहा परी है, और परी कहाँ है, मैं कहा वो स्कूल गई है, कि ठीक है कहाँ पे तूने रूम लिया, मैंने इसको रूम बताया, ये 2-3 साल पहले की बात है। तो कहने लगी ठीक है मैं आऊँगी, अपना नंबर सेंड कर, मैंने इसको अपना नंबर सेंड किया। तो ये मेरे रूम पे आई अपनी लड़की को लेके, फिर मैं कहा तूने शादी कर ली, कहती हाँ, तो कहती ऐसे से मैंने ना शादी कर ली है, वो मेरा हस्बैंड शेफ़ है, अब वो शराब पीता है, और उसका अपने गांव की औरत के साथ नाजायज रिश्ते हैं, इसने उससे भी बच्चे पैदा किए हैं, मुझ पे शक करता है, कहता तू धंधा करती है, ये है वो है फलाना ढिमका, इसने मेरे को ये बला बला कहानियाँ सुनाई, तो मारता पीता। मैं कहा चल ठीक है अपने हस्बैंड को किसी दिन लेके आना, मैं उसको समझाऊंगी। तो ये लेके आई एक दिन, उस बंदे को इसने बोलने नहीं दिया बिल्कुल भी मेरे सामने, ठीक है। मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा देखो तुम अच्छी जॉब करते हो, ठीक ठाक हो, पढ़े लिखे हो, मैंने कहा क्यों अपना घर बर्बाद कर रहे हो, अच्छे से रहो। तो मैंने इसको अच्छी तरह समझाया सब कुछ, तो वो ना मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर इसने दबका मार के ना चुप करा दिया इसको, तो चुप करा दिया, वो चले गए मेरे घर से। फिर ये एक दो बार मेरे रूम पे फिर आई, फिर मैं इसके एक बार रूम पे गई, एक ही बार गई, फिर सडनली कुछ टाइम हुआ तो ये मेरे को फ़ोन करके बोलती कि ये अभी तक नहीं आया घर पे, और फलाना ढिमका है, और मकान मालिक रोज़ आके किराया के लिए बोलता है। ये इन दोनों ने, मियाँ बीबी ने, जिस कमरे में रह रहे थे वहाँ पे 1 साल से पता नहीं 6 महीने से किराया नहीं दिया था, किराया नहीं दिया, तो मकान मालिक कह रहा होगा भी किराया दो किराया दो, इन लोगों ने किराया नहीं दिया, ये रातों रात वहाँ से कमरा भाग, सामान उठा के भाग के, फिर मैंने जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे इनको मैंने रूम दिलवाया, रूम दिलवाने के बाद इसकी आदमी की वहाँ से नौकरी भी छोड़ आया, तो इसकी मैंने जॉब आदमी की जॉब भी लगवाई, इसने वहाँ से एडवांस उठाया, जहाँ जॉब करनी थी वहाँ से एडवांस उठाया, और शराब पी के फरार हो गया। अब वो मकान मालिक बोलता जहाँ पे रूम दिलवाया कि भाई आपको एडवांस, कुछ एडवांस दे दो, कुछ आप बाद में दे देना। तो मैंने उसको 1500 रुपये अपनी तरफ से दिए, मैंने कहा कि बाकी के हम ना आपको बाद में दे देंगे, अभी इतना ही है, तो कहते कोई बात नहीं, तो रूम दिलवा दिया। तो दे उसके ना यही कांड देखते देखते ना फिर मैंने इसको क्या किया, अपनी रूममेट को अपने ही पार्लर में जॉब दिलवा दी कि भैया चल मेरे पार्लर में ही काम करने लग जा, फिर धीरे धीरे सेट हो जाएगी, तो फिर अपना खर्चा खुद ही चलाइयो, सुधरता ही है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको लात मार के भगा दियो, डिवोर्स ले लियो, मैंने सीधा बोला। क्यों लाइफ में अपनी बर्बाद करनी, जब खाने को नहीं ला रहा तो बोझ ही बन रहा है घर पर, हफ्ते हफ्ते गायब है, क्या फ़ायदा ऐसे आदमी का, मैं कहा डिवोर्स ले लियो तू, कि वो तो मैं इसको छोड़ने की सोच ही रही हूँ, बस मैं ये है कि सेटल हो जाऊँ, फिर मैंने तो इसको छोड़ देना। मैं कहा चल ठीक है यार गाइस, ब्लॉग हो गया बहुत बड़ा, तो अभी इतना ही रखते हैं, फिर आपको बताऊँगी आगे की स्टोरी नेक्स्ट टाइम, अब नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी चलो खाने का हो गया टाइम, अभी चलते हैं, अब आगे की स्टोरी कल बताएंगे आपको, तो बाय बाय। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हाँ शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, देखते हो वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो भी पूरी नहीं देखते हो, तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, और चंटू बंटू की तरफ से भी आपको बाय बाय, चुन चुन की तरफ से भी, और परी तो है ही बिजी, वो तो ना ब्लॉग बनाने की ना ब्लॉग में आने की, तो बस जो कुछ हूँ मैं ही अकेली हूँ, तो बस मेरे से ही बातें करो,
चलो ठीक है भाई, माय यूट्यूब फैमिली मिलेंगे कल, बाय बाय, गुड नाइट अभी कर देती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट।